दोस्तों हम प्रत्ययों का अध्ययन कर रहे थे और एक छोटा सा टॉपिक इसके अंतर्गत रह गया है जो है स्त्री प्रत्यय का। स्त्री प्रत्यय यद्यपि बहुत लंबा एक प्रकरण है लेकिन हमारी परीक्षा के उपयोग के अनुसार यहाँ पर कुछ इसके प्रसंग में रखना चाहती हूँ। कुछ प्रत्यय हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्त्री प्रत्यय कहते किसे हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, ये पहली बात है। दूसरी बात, हमेशा आपको ये ध्यान रखनी है कि स्त्री प्रत्यय जिन भी शब्दों से लगेगा वो पहले से ही बने हुए शब्द हैं, जैसे बालक, युवक, अश्व, ये सारे शब्द पहले से बने हुए हैं, यानी कि एक एक प्रत्यय लग करके ऑलरेडी उनका पूरा निर्माण हो चुका है, बन चुके हैं। अब क्योंकि वे पुल्लिंग में है, हम उनको स्त्रीलिंग में प्रयोग करना चाहते हैं, इसलिए हम उनमें स्त्री प्रत्यय लगे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि मूल शब्द और प्रत्यय इन दोनों से युक्त वो शब्द पहले से ही है। उन्नत से उन्नति बना, तो उन्नत शब्द भी तो बना है पहले, तो उन्नत शब्द बना हुआ शब्द है, उसको हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करना चाहते हैं, इसलिए एक और प्रत्यय लगा रहे हैं। बालक से बालिका बनता है, बालक शब्द हमको मूल मिल जाता है, इसलिए हम उसको प्रयोग करने के लिए एक और इसमें प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, तो आइए इन स्त्री प्रत्ययों का उदाहरण सहित अध्ययन करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जो रह गया था हमारे प्रत्ययों के अंतर्गत, टाप प्रत्यय। आजादी गण में पठित शब्दों से स्त्रीत्व विवक्षा में टाप प्रत्यय होता है, टाप का आशेष रहता है। आजादी गण कौन से होते हैं? देखिए, संस्कृत के अंतर्गत गण बने हुए हैं कुछ, जिनमें समान व्याकरण के स्वभाव वाले शब्द एक साथ रखे जाते हैं। देखिए, जब हम व्याकरण की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, समान धातुएं, मतलब ऐसी धातुएं जिनके रूप हमेशा समान चलेंगे, एक जैसे चलेंगे, तो उनको एक एक ग्रुप में बांट दिया, तो ये जो ग्रुप है इनको गण कहते हैं संस्कृत में। तो आजादी गण, अजा शब्द, पहला शब्द इसमें क्या है, अजा, अजा का अर्थ होता है बकरी, तो अजा आजादी, जैसे कि पहले नाम से पूरे ग्रुप को सूचित करके ये बताते हैं कि उस गण में जितने भी शब्द पठित होते हैं उनको स्त्री में प्रयोग करने के लिए, स्त्रीलिंग में प्रयोग करने के लिए टाप प्रत्यय लगता है उस गण के सभी शब्दों से। तो यहाँ पर टाप प्रत्यय उन गणों में प्रयोग होने वाले शब्दों से लगेगा। उन सभी शब्दों को हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, उसके ऐसे प्रसिद्ध शब्द याद करेंगे बिल्कुल ऐसे कि 90% परीक्षा में वही पूछे जाए, सिर्फ वही शब्द इसके याद करेंगे, क्योंकि स्त्री प्रत्यय अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। तो स्त्री प्रत्यय में हम सिर्फ वे शब्द पढ़ेंगे जो पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं हमेशा, और जिनके पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। अश्व शब्द सबसे पहले पढ़ते हैं, अश्व शब्द, इसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करने के लिए अश्वा। सामान्य रूप से हम घोड़े को घोड़ा ही कहते हैं, घोड़ी कभी कभी काम आती है, कभी कभी मतलब काम तो आती है शादी इत्यादि में, लेकिन सबसे पहले जब कभी भी हमारे दिमाग में एक चित्र आता है किसी दौड़ जोर से दौड़ने वाले पशु का, तो हम पुल्लिंग में ही उसका प्रयोग करते हैं अश्व। स्त्रीलिंग में प्रयोग करने के लिए इसमें टाप प्रत्यय लगा करके अश्वा लगाते हैं। पाचक शब्द, खाना बनाने वाला, पाचिका, यानी कि कोई व्यक्ति बाहर हो सकता है ढाबा खोल ले, लेकिन घर में उसका जो भोजन बनाता है वो स्त्री ही बनाती है, चाहे बाहर वो खुद खाना बनाने वाला है, तो पाचक शब्द से पाचिका शब्द बना है। बालक से बालिका बना है टाप प्रत्यय लगा करके। लेखक से लेखिका बना है। याचक से याचिका बना है। अब सब इनमें इकार कैसे आ गया, तो इकार इसके अंतर्गत प्रयोग होता है, इसकी भी बहुत बड़ी व्याकरण की प्रक्रिया है। तो आप ये ध्यान रखिए कि कुछ जो धातुएं हैं जैसे याच, लेख, लिख इत्यादि धातुओं से इसमें इकार जुड़ता है, तो बालक से बालिका, याचक से याचिका, चटक से चटका, चटक कहते हैं चिड़िया को, चिड़िया, जो पुरुष चिड़ी है उसको चटक कहेंगे, जो स्त्री चिड़िया है उसको चटका कहेंगे। हम बचपन में कविता पढ़ते थे, चटका चटका चिल्लती च्यू च्यू च्यू, ऐसे। बिलात, बिलाता, धनिक शब्द से धनिका। आगे इसमें हम अध्ययन करते हैं गीप प्रत्यय का। देखिए, गीप प्रत्यय के हमारे सामान्य जीवन में बहुत सारे शब्द हैं जिनका हमें पता भी नहीं और उसमें गीप प्रत्यय लगा हुआ है, और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आइए इनको भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने नियम बताया कि ऋकारांत और नकारांत शब्दों से गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो अजंत यानी कि आजादी गण में पठित शब्द जो थे उनसे टाप प्रत्यय लग रहा था। अब यहाँ पर कौन सी धातुएं हैं, यानी कि ऋकारांत और नकारांत शब्द हैं जिनसे गीप प्रत्यय लगेगा, जैसे कि दंडिन, दंडिन शब्द है, ना है ना पीछे, ना लगा है, दंडिन में ना लगा है, तो इन्होंने क्या कहा, नकारांत शब्दों से, तो दंडिन से गीप प्रत्यय करके दंडिनी, जनित्री, जनित्री से जनयित्री बन जाएगा जनित्री, ये कैसा है, ऋकारांत, ऋषि है ना अंत में, ऋषि है ये।
पच शब्द से गी प्रत्यय करके पचंती, पचत शब्द बन चुका है क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय पचत रूप बनता है ना, उससे अतशेष रहता है क्षत्रिय में, पचत तो उससे पचंती, ठीक है। श्री शब्द है श्री, इससे श्रीमती, ये बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है, इसका ध्यान रखेंगे। श्रीमती, अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि श्रीमती में बड़ा ई क्यों आता है, क्योंकि इसमें गीप प्रत्यय लगा है, मत प्रत्यय, पहले तो श्री से श्रीमत बना, श्रीमत से श्रीमती बना, इसी प्रकार देवट से देवी बना, देवट में टकार की तो इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, देव शब्द बनता है जो कि पुल्लिंग है। अब इसको स्त्रीलिंग में बनाने के लिए हमने देवी इस प्रकार से कर दिया है गीप प्रत्यय लगाकर। कलभ, कलभ से बना है कलभी, कलभ से क्या बना है कलभी, इस प्रकार गीप प्रत्यय के उदाहरण। और अधिक देखते हैं इसमें हर्त्री, हर्त्री यानी हरण करने वाली, हर्त्री से हर्त्री बना, देखिए हर्त्री यहाँ पर कौन सा था री ऋषि वाला, अब इसको यहाँ पर हर्त्री इस प्रकार से बन गया है गीप प्रत्यय होकर के। नेत्री यानी नेतृत्व करना, उसको नेत्री कहते हैं, नेत्री इस प्रकार से हो गया है। कर्त्री, कर्त्री। योगिन नकारांत शब्द है गीप प्रत्यय करके योगिनी। भर्त्री से भर्त्री इस प्रकार बन गया, दोनों की त्री में अंतर है, आप देखिए अंतर आया है। रोगिन शब्द से रोगिणी, धात्री शब्द से धात्री, ब्रह्मचारिण शब्द से ब्रह्मचारिण शब्द, ब्रह्मचारिण एक पुल्लिंग शब्द है, इसे स्त्रीलिंग में प्रयोग करने के लिए ब्रह्मचारिणी इस प्रकार से प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब इसके कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं, हमने जो प्रत्ययों के तीन वीडियो चार वीडियो पढ़ लिए हैं, इन सभी के अब प्रश्नोत्तर हम देखते हैं। सबसे पहला आपके सामने प्रश्न आता है, पालयन इत्यत्र कह प्रत्यय, पालयन इत्यत्र कह प्रत्यय, बताइए कौन सा प्रत्यय है। पालयन लुट है, तुमुन है, शानच है या क्षत्रिय है, कौन सा प्रत्यय है बताइए। देखिए न है शेष में, आप चाहे तो अन भी से समझ सकते हैं, न भी से समझ सकते हैं, बताइए पालयन कौन सा शब्द है, आप बताइएगा। तब तक मैं आपको उत्तर बता देती हूँ, शब्द है इसमें क्षत्रिय प्रत्यय इसमें आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय में अतशेष रहता है, और जब उसके रूप बनते हैं तो गच्छन लिखन पठन इस प्रकार से रूप बनते हैं, तो अन वहां पर दिखाई देता है पीछे अत के स्थान पर। तो देखिए पालयन, पालयन पालयन जीवती, पालन करते हुए जीता है, पालयन जीवती माता शिशोः, पालयन जीवती माता बालक का पालन करते हुए जीती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दूसरा, पुरस्कृताः इत्यत्र कः प्रत्ययः प्रयुक्तः, पुरस्कृताः बताइए कौन सा प्रत्यय है इसमें, तवतु प्रत्यय, त्वा प्रत्यय है, त प्रत्यय है या क्षत्रिय प्रत्यय है, बताइए आपको बताना है, आप बताइएगा। तब तक मैं आपको उत्तर बताती हूँ, उत्तर है इसका त प्रत्यय, पाले पुरस्कृतः, 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 कृ शब्द से त प्रत्यय लग के क्या बनता है कृतः, उसका स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो पुरस्कृताः, पुल्लिंग के बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो पुरस्कृताः, और कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर त, पुरस्कार पुरस्कृत किए गए। स्नानम यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है बताएं, क्षत्रिय ल्युट त या क्षानच, इनमें से कौन सा प्रत्यय है आप सोचिए, पहले स्वयं इंतजार कीजिएगा उसके बाद आप उत्तर देखिएगा, यद्यपि मुझे यहाँ उत्तर देने पड़ेंगे। स्नानम इत्यत्र कह प्रत्यय आपको समझना होगा, तो यहाँ पर होगा ल्युट प्रत्यय है, स्ना धातु से ल्युट प्रत्यय करके स्नानम अनशेष रहता है, यु और ना को सूत्र से यु को अन आदेश हो जाता है और वु को अक आदेश होता है, जो कि अणुबुल प्रत्यय में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कर्तुम इत्यत्र कह प्रत्यय वर्तते, बताइए त्वा क्षत्रि तुमुन या ल्यप, कौन सा प्रत्यय है, साफ साफ दिखाई देता है, बताइए कौन सा प्रत्यय है, बहुत ही सरल है, तुमुन प्रत्यय है, क्री धातु से तुमुन प्रत्यय करके कर्तुम इस प्रकार से रूप सिद्ध होता है। कुछ और इसके प्रश्न देख लेते हैं, वक्तुम यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, ये भी बहुत ही सरल है, त्वा तुम कतुम तुमुन, कौन सा प्रत्यय बताइए। अब देखिए कई बार क्या होता है, हमें प्रत्यय की जानकारी पूछी जाती है, कई बार ये पूछा जाता है कि आपको पता भी है कि नहीं कि तुमुन प्रत्यय लिखा कैसे जाता है, तो देखिए यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है, आपको दिखाई दे रहा होगा, तुमुन प्रत्यय है वक्तुम कहने के लिए, वक्तुम इच्छति कहना चाहती है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, व्याकरणम इत्यत्र कह प्रत्यय, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, बताएंगे आप व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है, ल्युट ल्युक्त या तवतु, कौन सा प्रत्यय है, बहुत साधारण है, विकल्पों ने इसे और साधारण बना दिया, इसमें आता है अ प्रत्यय आएगा, वी आंग क्री से, वी उपसर्ग आंग उपसर्ग क्री धातु से ल्युट प्रत्यय करके बना है व्याकरणम।
अनुद्धताः, अनुद्धता सत्पुरुष समृद्ध भी, इस प्रकार हम पढ़ते हैं अनुद्धताः इत्यत्र कः प्रत्ययः। तो तवतु प्रत्यय, त प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय और क्षत्रि प्रत्यय, इनमें से कौन सा प्रत्यय होगा देखना होगा आपको। तो बताइए आप कौन सा प्रत्यय अनुद्धता में, त प्रत्यय अनुद्धतः, अनुद्धतः इस प्रकार से ए, प्रथम पुरुष में होगा अनुद्धताः रामाः, ये बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग प्रत्यय जो है इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और इसके बाद इसके प्रश्न भी देखे। तो उम्मीद है आपको प्रत्ययों का ये पूरा जो हमारी प्रक्रिया थी ये समझ में आई होगी। उम्मीद है आप इससे आने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले बिंदु के साथ फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।